तो दोस्तों गुरमीत सिंह आ सकता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में। यस गाइस, उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने सीजन के पहले मिर्शात मेकू को साइन किया था एज ए गोल कीपर के रूप में। बट उसका परफॉर्मेंस तो भाई एकदम टट्टी था, आपको पता ही है, हर मैच में एक ना एक गलती करे जा रहे थे। बट उसके बाद नॉर्थ ईस्ट एफसी धीरे सिंह पे इंटरेस्ट दिखाता है बट उनको साइन नहीं कर पाता है। और अभी अभी भाई बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ आ रहा है गुरमीत सिंह से रिलेटेड, उसी के बारे में बात करेंगे। तो गुरमीत सिंह के बारे में बात करते हैं। तो भाई गुरमीत सिंह के बारे में तो आपको बताइए, अभी हैदराबाद एफसी में है बट वो अभी हैदराबाद से निकल चुका है, मतलब अभी विदाउट क्लब है। तो गुरमीत सिंह जो है हमारा इंडियन नेशनल टीम के तरफ से भी खेल चुके हैं, मतलब समझ सकते हो कितना बड़ा गोलकीपर है। हमारे इंडियन नेशनल टीम के साथ भी भाई 2 कप जीत चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ भाई ISL भी जीत चुका है और यंग प्लेयर है तो नॉर्थ ईस्ट के तरफ से भी खेल चुका है। ये नॉर्थ ईस्ट के तरफ से ISL में डेब्यू किया था और नॉर्थ ईस्ट के बाद हैदराबाद एफसी में गए और हैदराबाद एफसी से उनका जो है परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब रहा। और अभी वो बेस्ट गोलकीपर में से एक है और इंडियन नेशनल टीम के तरफ से भी खेलते हैं। तो अभी ये विदाउट क्लब है और 4 टीम्स भाई ISL के 4 क्लब्स इन पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। और इस रेस में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी भी है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, चेन्नई एफसी, पंजाब एफसी और केरला ब्लास्टर एफसी, ये 4 क्लब्स इस रेंज में है गुरमीत को साइन करने के लिए। तो गुरमीत की अगर प्रोफाइल चेक करें तो पता चलता है कि ये जो है 24 ईयर्स के हैं, मतलब अभी यंग है। हाइट जो है 1.80 मीटर है और जो है इस सीज़न हैदराबाद एफसी की तरफ से खेल रहा है। बट अभी तो भाई वो निकल चुके हैदराबाद एफसी से, मतलब अभी विदाउट क्लब है। और इंडियन नेशनल टीम अभी तो इंडियन नेशनल टीम के स्क्वाड पर नहीं है गुरमीत, बट भाई पहले था, मतलब इंडियन नेशनल टीम के स्क्वाड से भी खेल चुके। और इन्होंने जो है इंडियन नेशनल टीम की तरफ से 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप भी जीत चुके हैं और साथ ही साथ 2023 में साउथ एशियन कप भी जीत चुके हैं इंडियन नेशनल टीम के साथ और हैदराबाद एफसी के साथ। तो आपको पता ही है ISL भी जीत चुके हैं। तो अभी नॉर्थ ईस्ट के फैंस के लिए ये गुड न्यूज़ आ रहा है कि इस रेस में नॉर्थ ईस्ट भी आगे है गुरमीत को साइन करने के लिए। और आपको तो पता ही है नॉर्थ ईस्ट का हालत कैसा चल रहा है, गोलकीपर नॉर्थ ईस्ट के गोलकीपर जो कि हर मैच में गलती करता है मिर्शात मेकू। और अगर इस समय में भाई गुरमीत को साइन किया है तो भाई क्या ही, फैंस तो भाई खुश होंगे ही होंगे और टॉप क्लास परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा गुरमीत की तरफ से। जो कि भाई अभी तो भाई वो हैदराबाद एफसी में थे, हैदराबाद एफसी तो अभी फॉर्म में नहीं है, तो अभी लास्ट में इसलिए भाई वो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। बट नॉर्थ ईस्ट में आकर वो एकदम भाई फाड़ सकता है और इनका मार्केट वैल्यू भी भाई उतना भी ज़्यादा नहीं है, 1.4 करोड़ है। तो मैं यही होप करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट इनको साइनिंग कंफर्म कर ले भाई, धीरज सिंह को तो साइनिंग किया ही नहीं। तो होप कि इनके साथ बात करे और बातचीत मतलब आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूंगा। बट अभी तो भाई शायद इंटरेस्ट दिखा रहा है, बातचीत नहीं हुआ होगा क्योंकि 4 क्लब इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो होप कि नॉर्थ ईस्ट साइन करे जुआन पेड्रो बेनाली समझे, क्योंकि भाई अभी आपको भाई पता ही है भाई गोलकीपर की हालत, जुआन पेड्रो बेनाली को भी पता ही है अभी क्या चल रहा है। तो साइन करना चाहिए यार मेरे हिसाब से। और बाकी तो 3 क्लब्स के बारे में बात किया तो भाई केरला, पंजाब और चेन्नई एफसी, उनका गोलकीपर उतना भी बुरा नहीं है, अच्छा ही है भाई, नॉर्थ ईस्ट का ही खराब है। तो चलो भाई आज के लिए बस नहीं, अगर इससे रिलेटेड कोई बड़ा अपडेट रहता है तो मैं आपसे जरूर शेयर, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।